अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट एक सॉल्यूशन में से पास करके अल्केन को बनाया था। सिर्फ अल्केन्स ही नहीं, अल्कीन्स, अल्काइन्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से। अगर आप रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगी। तो अल्केन्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक ख़ास किस्म के रिएक्टेंट चाहिए, अल्कीन को प्रोड्यूस करने के लिए किसी और तरह के रिएक्टेंट चाहिए। लेकिन अगर हम उस पर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ना चाहें तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करता है। अब ये प्रोसेस होता क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है, ज़रा वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन्स बनाता है एक ख़ास किस्म के। कौन से किस्म के? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्केन्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन्स वो अल्केन्स होते हैं जिनकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल देखें, CH3, CH2, CH2, CH3। अब एक और लेते हैं, दिस इज ब्यूटेन। अब हम लेते हैं प्रोपेन। इसको हम ऐसा करते हैं, दोनों को हाफ करते हैं, आधा आधा करते हैं। अब ये देखें, अगर आप ब्यूटेन को दरमियान से काटना चाहें तो बिल्कुल दरमियान से आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब जब बिल्कुल दरमियान से ब्रेक डाउन किया जाएगा तो जो ये पोर्शन है वही ये पोर्शन है। से ये R है तो ये भी R ही है। तो ऐसा अल्केन जिसको दरमियान से ब्रेक डाउन किया जाए तो जो चेन्स निकलेंगी, रेडिकल्स निकलेंगे, अल्काइल ग्रुप निकलेंगे, वो सेम निकलें तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, अगर मैं इसको दरमियान से काटना चाहूँ ना तो आप कहेंगे सर इसमें तो दरमियान वाले ही कोई बात पोजीशन बन ही नहीं सकती। अगर आप यहाँ से काटते हैं तो एक कार्बन इधर आ जाता है, दो कार्बन इधर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से काटते हैं, इसको अगर आप नहीं काटते, यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं इस चेन को, तो फिर दो कार्बन इधर आ जाते हैं, एक कार्बन इधर आ जाता है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज़ नॉन सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल चेन्स वो होती हैं जिनको बराबरी में आधा आधा काटा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये शेप है, अगर आप इसे दरमियान से काटेंगे तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल निकलेगी, जैसी यहाँ है वैसी यहाँ है। एक शेप ये है, अगर इसको दरमियान से काटेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल निकलेगी। अच्छा, अगर मैं इस शेप की बात करूं, अगर आप इसे दरमियान से काटेंगे तो ये शेप कोई और हिस्सा है, ये शेप का कोई और हिस्सा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल वो स्पीशीज होती है जिसको अगर हाफ किया जाए तो दो इक्वल पार्ट्स निकलते हैं। आप अगर ब्यूटेन की बात करें, ऐसे मीन्स ऐसे अल्केन्स जो इवन नंबर रखते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे अल्केन्स जो ओड नंबर रखते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। तो हमारे पास सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं। याद रखना, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस हरगिज़ नॉन सिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बनाता। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा अल्केन बनाता है जो कि एक जैसे दो साइड्स रखता है। अगर इधर आ रहा है तो दरमियान से काटने पे इधर भी आ ही निकलेगा, तो ये दो सेम रेडिकल जुड़ के एक चेन बनाए या सिमेट्रिकल अल्केन बने तो वो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट होगी। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कहते हैं सर नहीं जनरल लें, तो मैं ऐसा करता हूँ CH3 काट के यहाँ पे लिख देता हूँ R। तो ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों? इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है COOH। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट से Na या K, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व कर दें और डिसॉल्व करने के बाद इसमें से करंट पास करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो होगा यूं कि ये सॉल्यूशन
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिमेट्रिकल अल्केन में, जो ये होगा ग्रुप वो दो दफा जुड़ जाएगा, बैलेंस बाद में कर लेते हैं, इस जैसे दो ग्रुप जुड़ जाएंगे, साथ बनेगी CO2, साथ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ बनेगी हाइड्रोजन। बेटा ये पूरी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की एक इक्वेशन है। मैं जानता हूँ ये थोड़ी सी ना मुश्किल है, थोड़ी लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये मैंने पानी भर दिया और ये मैंने डाल दिया इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो ये मिक्स हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक ये लगाया एक ये लगाया, और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। जब आप इसमें से करंट पास करेंगे ना तो इसमें से एक गैस निकलना शुरू हो जाएगी, वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अगर तो अल्केन ब्यूटेन तक कोई चीज़ बन रही है तो वो होगी। अब ये कैसे होता है, ये प्रोडक्ट कैसे बन जाती है, ज़रा उस पर आते हैं। होता ही है, ये भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा चाहिए। अच्छा ये मेरा ख्याल है अब सही है। होता क्या है, होता ये है कि जब आप किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को, से आपके पास है R C डबल O K, इट कुड बी Na, इट कुड बी K, पोटाशियम हो या सोडियम हो, है तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये होगा R C डबल O नेगेटिव और साथ बनाएगा K पॉजिटिव। जब आप अपने फौजी भेजेंगे ना दूसरे फौजियों को मारने के लिए तो अपने भी कुछ शहीद हो जाएंगे, सेम इसी तरह वाटर अगर इसको शहीद करके दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है ना तो वाटर खुद भी, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इस चक्कर में आयोनाइज हो जाते हैं और बनाते हैं OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर अगर किसी साल्ट को आयोनाइज कर रहा है तो वो खुद भी आयोनाइज हो जाएगा कुछ हद तक और बनाएगा हाइड्रोक्सलाइन और हाइड्रोजन आयन। अभी ये जो वाटर वाली आयोनाइजेशन है ना इसको मैं भूल जाता हूँ, मैं समझता हूँ ये हुई नहीं, लेकिन ये याद रखना हुई है, अब अपने भी फौजी मरेंगे कुछ। अब मैंने जैसे ये आयोनाइज हो गया, पानी में हल हो गया, दो आयंस बना गया, मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक करंट जब छोड़ा सॉल्यूशन में तो नेगेटिव आयन किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन किस तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। अब जब ये नेगेटिव आयन आर, अब हम चलते हैं एनोड पे, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड पे भाग गया। अब वहाँ पे जब हम गए तो हम पता लगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा आर सी डबल ओ नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है। क्या रिएक्शन कर रहा है वो ज़रा चेक करते हैं। इसको आर सी डबल ओ नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसको यूं भी लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। ये स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो लीनियर फॉर्म में है। ये जाता है एनोड की तरफ, एनोड को कहता है यार मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। याद रखना कोई एटम जब कोई नेगेटिव चार्ज लाता है अपने ऊपर तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ उसने किसी और का ये क्रॉस की शक्ल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखा हुआ है। एनोड के पास जाके कहता है यार मेरे पास ना नेगेटिव चार्ज है, एनोड कहता है मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि मेरे पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मैं तुम्हारे से ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा ये ले लेता हूँ। तो जब एनोड के पास ये जाएगा तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। अब आप कहेंगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो निकल गया एनोड के पास और एनोड इसे खा गया, ये भाई एनोड के पास चला गया, दिस इज ओवर, अब ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अब ये एनोड में घुस गया, अब हमारे पास सिर्फ ये बच गया। आप कहेंगे सर ये क्या बन गया। देखें बेटा जब भी कोई चार्ज एनोड या कैथोड के पास जाएगा वो रेडिकल बन जाएगा। देखें इसके पास था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ये था नेगेटिव चार्ज, इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडिकल में, क्योंकि जब किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो रेडिकल कहलाता है, जब किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो रेडिकल कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट हुई जो मैं लिखना चाहूँगा, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, कि जब भी कोई आयन एनोड या कैथोड के पास जाएगा तो वो उसे रेडिकल में चेंज कर देगा। बेटा ये बुक की साइड पे लिखें, इसको समझें कि ये हमने ज़रूर करना है। आयन जब भी इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड के पास जाते हैं वो उसे रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें, ये एनोड के पास गया तो एनोड पे जाके इसने अपने जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास अनपेयर्ड बच गया। अब ये कहेगा यार तुमने मुझे स्टेबल करने की बजाय अनस्टेबल कर दिया, मुझे रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है। रेडिकल स्टेबल नहीं होते, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। आप यूँ समझ लें ये भूखे होते हैं, इनको कुछ ना कुछ रोटी का छोटे से छोटा टुकड़ा, एटम का छोटे से छोटा एटम, बड़े से बड़ा एटम चाहिए होता है खुद को स्टेबल करने के लिए। नहीं तो ये क्या करते हैं, ये खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कितनी देर तक भूखे रहेंगे? अल्टीमेटली वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उनकी अपनी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये जैसे ही रेडिकल बनता है, ये रेडिकल कहता है यार अच्छा मजाक है, मैं स्टेबल होने के लिए एनोड पे गया, ये से नीचे बनाता हूँ, ये कहता है यार मैं स्टेबल होने के लिए एनोड पे गया तो एनोड ने मुझे रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या करें, ऐसा करते हैं कि कोई हल निकालते हैं। वो हल क्या है, ये रेडिकल कहेगा कि यार किसी तरह मैं स्टेबल हो जाऊं। अब वो स्टेबल होने की कोशिश में खुद को कन्वर्ट करेगा स्टेबल मॉलिक्यूल में। अगर आप गौर करें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी स्टेबल होती है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड को आगे किसी और कंपाउंड में बिला वजह कन्वर्ट होते देखें? कार्बन डाइऑक्साइड एक बन गई तो बन गई, स्टेबल कंपाउंड, अब इससे आगे कुछ नहीं है। सेम इसी तरह इसकी कोशिश होगी, यार मैं ना कार्बन डाइऑक्साइड के करीब करीब पहुंचा हूं, मेरा एक कार्बन ने तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, किसी तरह ये भी डबल बॉन्ड हो जाए ना तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाऊंगा। कार्बन कहता है इस आर को, आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, एक कार्बन है, उसे कहता है यार तू ना ये जो रेड कलर का तेरे पास बॉन्ड है ना, ये असल में बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस की फॉर्म में और ये दूसरे आर का बॉन्ड है क्रॉस की फॉर्म में। ये इसे कहता है यार ऐसा कर, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन इसको कहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं इधर लाता हूँ और ऑक्सीजन कहता है मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर लाता हूँ, तो फ़ायदा क्या होगा ज़रा चेक करें। ये आर का जो ये इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन था, ये जो ये है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वहाँ का लो जी पेयर बन गया। पेयर बनने से क्या होगा, ये जो नया पेयर बना ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहेगा लो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई मैं स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिकल बना था इसका एक हिस्सा टूट के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और निकल जाएगा। ये लो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया, अब वो आर रेडिकल बच गया। वो कहेगा अच्छी बात, अच्छा मजाक है, मीन्स आप बड़े रेडिकल था तो भी अनस्टेबल है, रेडिकल टूट के एक स्टेबल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बना गया, एक रेडिकल बना गया। अब ये रेडिकल क्या करता है, ये रेडिकल जाता है, ये ना कहता है यार मेरे साथ कोई बॉन्ड बना ले। तो पता लगता है हमने जब सोल्यूशन बनाया था तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है इसके करोड़ों मॉलिक्यूल थे, अरबों मॉलिक्यूल थे, वो अरबों मॉलिक्यूल अरबों किस्म अरबों अमाउंट में नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, वो बिलियंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस बिलियंस ऑफ रेडिकल बना रहे थे, वो बिलियंस ऑफ रेडिकल बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आर रेडिकल बना रहे हैं। इसका मतलब आर रेडिकल बहुत सारे बन रहे हैं, तो आर रेडिकल अपने जैसा आर रेडिकल ढूंढेगा, उसे कहेगा यार दोनों मिलकर बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं। ये कहेगा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये कहता है ये वाला आर, ऐसा करता हूँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को
समझने में आसानी हो, और इसका क्रॉस बना देता हूँ। ये रेड वाला आर्क कहेगा, ओहो ये रेड वाला आर्क कहेगा कि ये मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले आता हूँ, ये वाला आर्क कहेगा ये लो मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आया, तो इनमें क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया? सिमेट्रिकल अल्केन। क्यों? अगर इस तरफ आर है तो दरमियान से काटा जाए तो इस तरफ भी क्या आता है? आर आता है। तो हमारा ये जो आयन था नेगेटिव, ये पहले रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमने एक असूल पढ़ लिया है कि एनोड और कैथोड पे जब कोई भी नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वो रेडिकल में कन्वर्ट होगा। फिर हमने पढ़ा कि जब वो नेगेटिव चार्ज रेडिकल में कन्वर्ट हुआ तो वो रेडिकल डीकम्पोज हो जाता है, क्योंकि रेडिकल हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होते हैं, और रेडिकल डीकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और रेडिकल आर बनाएगा, या आर रेडिकल अपने जैसे आर रेडिकल को पकड़ के स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को अगर मैं जनरल लफ्ज़ों में जनरली लिखना चाहूँ, मुझे लग रहा है कि ये हिस्सा जो है ना नज़र नहीं आ रहा, ये लाइन अब शायद फिर भी नहीं नज़र आ रही, कोई बात नहीं, हम इस लाइन को और छोटा कर लेते हैं। चलें जी, अब नज़र आ गए। अच्छा देखें, हुआ यूँ है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव कन्वर्ट हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ रेडिकल में, चूँकि फर्दर कन्वर्ट हो गया आर रेडिकल में और सी ओ टू में। सेम इसी तरह एक और मॉलिक्यूल भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा होगा सेम इसी तरह, और ये कन्वर्ट हो रहा होगा आर डैश सी ओ टू में। तो अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल ये दो चीज़ें बना गए, ये दो चीज़ें मिलके क्या करेंगी? आर डैश से मिलके क्या करेगा? सिमेट्रिकल अल्केन बना लेगा, और ये निकल जाएगा। ये सिमेट्रिकल अल्केन निकल जाता है, अगर तो छोटा होगा तो स्केप कर जाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो तो स्केप करेगी करेगी। तो हमारे पास पहले रेडिकल बनता है, रेडिकल डीकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कन्वर्ट होती है किसके अंदर? गैस के अंदर, और गैस वो एस्केप कर जाती है, जो अल्काइल रेडिकल बचते हैं वो मिलके आर आर बना लेते हैं। तो अगर मेरे सामने दो मॉलिक्यूल इकट्ठे चल रहे हैं ताकि वो एक स्टेबल कंपाउंड बना सकें, तो मैं ऐसा करता हूँ इस पूरे मैकेनिज्म में बस ये करता जाता हूँ, दो आइंस आए, दो रेडिकल और दो इलेक्ट्रॉन बनाए, ये दो रेडिकल दो आर बनाते हैं, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये दो आर मिलकर आपस में, ये जो दो आर बने हैं, ये दो आर आपस में मिलकर, अब ये देखो दो आर रेड कलर के बने हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बना लेता हूँ, दो आर आपस में मिलके ये बना लेते हैं बॉन्ड, और एक सिमेट्रिकल अल्केन बना लेते हैं, इट कुड बी एनी वन, ब्यूटेन व्हाटएवर जो भी है। तो अब हम इसकी ना एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ये दोबारा क्लियर हो। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी अटेंशन देनी है आपने। ये देखो भाई बच्चों, आपके पास साल्ट था CH3 सी डबल ओ, ओ नेगेटिव, ये गया एनोड पे, एनोड ने इसको कहा ओए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, मुझे दे दे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ रेडिकल बन गया, साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन गया। दो मॉलिक्यूल, दो रेडिकल और दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड खा जाएगा, ये हमारे सामने से गायब हो गए, एनोड खा गया। अब ये जो दो रेडिकल हैं ये कोशिश करेंगे कि हम स्टेबल हो जाएं, स्टेबल कैसे होंगे? ये दोनों रेडिकल का ये जो हिस्सा है ये टूट के कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एक रेडिकल का एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दो रेडिकल के दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और ये जो ग्रुप जुड़ा होता है आर ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल रेडिकल दो में। तो दो मिथाइल रेडिकल कहेंगे यार हम दोनों ऐसा करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को रेडिकल ने कंपोज करके छोड़ दिया है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के बना लेते हैं ईथेन, और ये एस्केप कर जाता है क्योंकि ये भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। तो ये आपका हुआ है एनोड पे रिएक्शन। अब चलते हैं कैथोड पे, कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे भाई
कैथोड के ऊपर एक मसला खड़ा हुआ हुआ है, वो क्या, के पॉजिटिव और हाइड्रोजन का एच पॉजिटिव आयन दोनों भाग के कैथोड पे जा रहे हैं। के पॉजिटिव का साइज बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, हाइड्रोजन का इतना छोटा। अब ये एलिफेंट समझ लो, ये रैबिट समझ लो, एलिफेंट तो किसी सूरत रैबिट के मुकाबले का रिजल्ट नहीं दे सकता भागने में। तो होता यूँ है कि ये भागते तो दोनों हैं लेकिन पहुंचता सिर्फ एच पॉजिटिव है, के उधर ही रह जाता है, भागता भागता हांपना शुरू कर देता है रस्ते में। एच पॉजिटिव पहुंच जाता है कैथोड के पास, उसे फौरन कहता है यार तुम ना मुझे इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट कर दो रेडिकल में। देखो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन गेन करके दो रेडिकल बनाएंगे और दो रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। बुक वालों ने लिखा हुआ है, अब देखो बुक वालों ने जो लिखा उसे छोड़ें, पीछे क्या बच गया, के पॉजिटिव। अब देखें ना इसके साथ वाटर भी तो आयोनाइज हुआ था ना, वाटर के कौन कौन से आयन बने थे, ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव। अब हमारे सॉल्यूशन में से ये जो ये है आर सी डबल ओ नेगेटिव ये वाला, ये तो भाग के चला गया था एनोड के पास और ये चला गया था कैथोड के पास, पीछे क्या बच गया, के पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके बना लेंगे KOH। तो अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट में आया, हमारे रिएक्टेंट्स थे दो R C डबल O K पॉजिटिव और दो वाटर मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट्स थे। इन्होंने क्या बनाया, आपको याद होगा इन्होंने दो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, एक R R बनाया था सिमेट्रिकल अल्केन, एक इन्होंने क्या बनाया हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। ये दो वाटर मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि दो हाइड्रोजन आयंस आपस में मिलके एक हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। और देखो अगर ये दो हैं तो दो ये प्रोड्यूस करेंगे, दो ये प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, क्योंकि वाटर दो हाइड्रोक्सल आयन बनाएगा, दो के आयन बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो बन गया टू के ओ एच। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई और आपका रिजल्ट भी आ गया। ये एक दफ़ा आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको आसान समझेंगे, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिस से ही सीखी हैं चीज़ें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे लॉजिक्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं उन लॉजिक्स को डेली लाइफ से मैच कर सकूँ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके बाद पढ़ते हैं।